अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो अहमदाबाद की कट्टू गोट मार्केट के बारे में है और मार्केट का नाम है रानीप गोट मार्केट, जो बहुत ही फेमस है पूरे गुजरात में। ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से अराउंड 10 से 12 किलोमीटर्स की दूरी पे है और ये मार्केट में जो बकरे आते हैं वो ज़्यादातर पूरे गुजरात और राजस्थान से आते हैं। यहाँ पर मार्केट हफ्ते में 2 दिन होता है, ट्यूसडे और सैटरडेज़ को। मार्केट भरना सुबह में 8 बजे से शुरू होता है और अराउंड 11 से 12 PM ये पूरा मार्केट भर जाता है। ऑन एवरेज एक मार्केट के दिन में यहाँ पर 8 से 10 हज़ार बकरे आते हैं। क्योंकि ये अहमदाबाद में एक बहुत ही फेमस मार्केट है पूरे गुजरात का, तो यहाँ से व्यापारी बहुत दूर दूर से यहाँ पर ख़रीदने भी बकरों को आते हैं, जो कसाई हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं वगैरह वगैरह। तो अगर मेरा कोई भाई जो कट्टू का धंधा स्टार्ट करने का सोच रहा था, जैसे मैंने मुंबई के बारे में भी बताया था, अगर आपका गांव अहमदाबाद से करीब है तो आप ये मार्केट भी कर सकते हैं, जो बहुत ही फेमस मार्केट है। यहाँ पर बकरे और मेंढों की अच्छी खपत होती है। इसके अलावा यहाँ पर धंधा करने के लिए आपको कोई भी खर्चा नहीं है, लाइक यहाँ पर गवाली का खर्चा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ दलाल होते हैं, दलाल्स के काउंटर यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर अराउंड 50 से 60 ऑथोराइज दलाल हैं। ये एक बकरे के पीछे अराउंड 100 रुपये लेते हैं दलाली, तो आप इनके थ्रू बिजनेस कर सकते हो। रानीप मार्केट में जाने के बाद मैंने ये देखा कि राजस्थान के काफ़ी सारे मेंढे जो बॉम्बे के मार्केट में भी दिखाई देते हैं, उसकी गुजरात में भी अच्छी खपत है। सो फ्रेंड्स, कल मैं देवनार का मार्केट विज़िट करने वाला हूँ बॉम्बे में, क्योंकि कल ट्यूसडे का दिन है तो मार्केट भरने वाला है। मैं आज नहीं गया क्योंकि लाइक राजस्थान जोधपुर के काफ़ी व्यापारी नहीं आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा एक इज्तिमा चल रहा है इसके लिए। देन ऑल्सो मैं कल जाऊँगा, आपके लिए रिव्यू लाऊँगा फ्रेंड्स कि देवनार मार्केट में कैसे चल रहा है और क्या हालचाल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं संडे के दिन सूरत जा रहा हूँ, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड होपफुली मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे सारे सोजत और पतीरा गोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस एंड प्लीज़ टेक केयर।